नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, MPPSC ने एक रिवाइज रिजल्ट जो है जारी किया है, उसी रिवाइज रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जो रिवाइज रिजल्ट आया है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 की परीक्षा थी, ये परीक्षा दोस्तों 3/7/2022 को जो है हुई थी। दोस्तों, ये जो रिजल्ट है कल जो है आया था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो रिजल्ट था 30 नवंबर 2022 को जो है जारी किया गया था, और फिर दोस्तों 11 अगस्त 2023 को इसका शुद्धि पत्र जारी किया गया था, जिसमें जो वैकेंसी थी दो पार्ट में डिवाइड की गई थी, 87% और 13% वाले में। दोस्तों, इस रिजल्ट में हुआ क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो 3 विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थी दोस्तों पहले जो है प्रोविजनल लिस्ट में थे, अब उन विद्यार्थियों का जो है मुख्य सूची में जो है शामिल किया गया है। उन विद्यार्थियों के दोस्तों ये रोल नंबर हैं, ये 3 विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए हैं। पहले ये विद्यार्थी दोस्तों पार्ट बी में थे, लेकिन अब दोस्तों ये विद्यार्थी जो है पार्ट ए में इनका नाम है। इसके अतिरिक्त संशोधित परीक्षा परिणाम में वर्णित विवरण सहित आयोग की विज्ञप्ति कि शेष शर्तें परिणाम का विवरण यथावत रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये 3 स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, और इन 3 स्टूडेंट का नाम पहले प्रोविजनल लिस्ट में था, अब दोस्तों इन तीनों का रोल नंबर जो है मेन वाली जो लिस्ट है, पार्ट ए का जो रिजल्ट है उसमें काउंट हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।